वीडियो देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी हम कुल्लू में हैं, मनाली में हैं और शिमला में हैं, लेकिन आप सबको बता दें कि अभी हम शिमला मनाली में नहीं है, हम अभी दिल्ली से कुछ दूर सोनीपत के एक स्नो पार्क में हैं। सोचिए आप लोग कि जो लेह लद्दाख में, सियाचिन में, जो बर्फीला इलाका में जो हमारे देश के जवान -30 डिग्री -40 डिग्री में वो लोग देश का रक्षा करते हैं, वो लोग कैसे रहते होंगे। यहाँ पे 10 मिनट में हम लोग का हाथ पूरा लाल हो गया है और इसके अंदर इतना ठंडा है कि एकदम हालत खराब हो गया। मतलब क्या कहिएगा, बस उन आर्मी के जवानों के लिए क्या कहिएगा जो -40 डिग्री में -30 डिग्री में खड़ा होकर इस देश का रक्षा करते हैं। देखिए सीरियस होकर वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर -10 डिग्री टेम्परेचर है, हम लोगों का हाथ काम नहीं कर रहा है और वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर -43 और -40 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर सियाचिन ले लद्दाख में जो है बंदूक भी चलाते इसी हाथ से और दुश्मनों को जो जवाब भी इसी आंख से और रक्षा भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सीखने का जरूरत है, यहाँ आने के बाद इस चीज का एहसास होगा कि आज हम 3-4 डिग्री टेम्परेचर माइनस में नहीं झेल पा रहे हैं और हमारे देश के जवान जो है आर्मी के जवान -40 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तभी इस देश में हम सुकून और शांति के साथ रह रहे हैं। इग्लू कहते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे और देखिए ये चोर की तरह बर्फ लेके आ रहे हैं मेरे ऊपर डालने के लिए। और देखिए कितना अच्छा डिजाइन किया गया है, यही हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी कितना हाई होते जा रहा है कि इंसान जो चाह रहा है वो कर दे रहा है। मतलब आने वाले समय में हमको लगता है कि मुर्दों को जिंदा कर देगा ये इंसान। देखिए कितना अच्छे स्लाइड के लिए यहाँ पे बनाया गया है, मतलब पूरा इसको डिजाइन किया गया, एकदम अंदर आने पे मनाली वाला फील, कुल्लू मनाली शिमला वाला फील आ रहा है। हम कब तो देखिए हमारा यहाँ हमें 20 से 25 मिनट हुआ है, हमारा मन हो रहा है कि बस यहाँ से भाग ले और वो 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं वहाँ और ये सोचिए कि वो किस प्रकार रह पाते हैं, इतना जज्बा उनमें कहाँ से आता है जाएंगे आम आदमी, हम 10 मिनट में ही हमारा यहाँ रुका नहीं जा रहा और वो 24 घंटे ड्यूटी करके और साथ में राइफल AK-47 के साथ उसके साथ में रखना, अपना हथियार का और दुश्मनों से लड़ना, मतलब इतना मुश्किल होता होगा उनके लिए। हर समय ये ही दिमाग में होता है कि कहीं से कहीं कोई दुश्मन ना आ जाए और वहाँ क्या खाना पीना होगा, आप सोच सकते हैं कि इतनी बर्फ में कैसे रह पाते हैं। वीडियो देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी हम कुल्लू में हैं, मनाली में हैं और शिमला में हैं, लेकिन आप सबको बता दें कि अभी हम शिमला मनाली में नहीं है, हम अभी दिल्ली से कुछ दूर सोनीपत के एक स्नो पार्क में है। स्नो पार्क मतलब ये बर्फ वाला पार्क है और इसके अंदर बर्फ ही बर्फ है, इसके अंदर आने पे एकदम पूरा कुल्लू वाला मजा है, पूरा मनाली वाला मजा है और समझ जाइए कि जो बर्फीला इलाका में लोग घूमने जाता है जो मज़ा वहाँ पे ले पाता है वो मज़ा हम लोग अभी यहाँ पे ले रहे हैं। अभी इस ये जो स्नो पार्क है इसके बाहर कम से कम 44 डिग्री अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब इतना गर्मी है कि समझिए कि बाहर 10 मिनट धूप में इंसान खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन वही अंदर आ जाइए तो -10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो है ये पूरा ठंडा है। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा इसको बनाया गया है, टेक्नोलॉजी कितना हाई होते जा रहा है, कितना बढ़ते जा रहा है, आप लोग इस स्नो पार्क को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए ये बर्फ़ का सिल्ली है, ये बर्फ़ का सिल्ली है और ये बर्फ़ का बड़ा बड़ा टुकड़ा लगाकर यहाँ पे सोफा बनाया गया है, ये टेबल है और इधर देखिए इतना अच्छा इसको डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर आने पे लग रहा है कि सच में हम लोग मनाली में आ गए हैं, सच में हम लोग शिमला में आ गए हैं। लेकिन एक बात और है, सोचिए आप लोग कि जो लेह लद्दाख में, सियाचिन में, जो बर्फीला इलाका में जो हमारे देश के जवान -30 डिग्री -40 डिग्री में वो लोग देश का रक्षा करते हैं, वो लोग कैसे रहते होंगे। यहाँ पे 10 मिनट में हम लोग का हाथ पूरा लाल हो गया है और इसके अंदर इतना ठंडा है कि एकदम हालत ख़राब हो गया है। मतलब बाहर हम ये सोच रहे थे कि भाई हम फुल शर्ट पहने हैं तो हम आराम से इसमें घूम लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर आने पे एकदम हाथ काम नहीं कर रहा है, एकदम हालत एकदम ख़राब हो गया है। और देखिए इसको कितना अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, इधर बर्फीला इलाका में जो जानवरों को रहने के लिए जो वो लोग बनाते हैं वो इसको शायद क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ाई पढ़ते थे, जब पढ़ते थे तो इसका प्रोजेक्ट हम लोग बनाते थे, नाम याद नहीं है, भूल गए हैं। इधर वाइट बियर है, इधर सब बर्फीला जो जानवर होता है वो यहाँ पे बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ का ये टुकड़ा है और इसको तोड़ तोड़कर इसको इसका बुरादा बनाकर और इसको देखिए किस तरीके से स्नो ये लोग बनाए हुए हैं। ये देखिए भैया कैसे इसको बनाते हैं आप लोग, भाई बता दिया उसको। अरे तो बताइए ना, फिर से बता दीजिए, दोबारा नहीं बताएंगे भैया, दिखते रहे सनो है सारी, मतलब कैसे बनाते हैं, यही बनाते हैं इसको। अच्छा ये गलता नहीं है इसमें? नहीं नहीं गलता है, नहीं क्यों भैया, बस इसका नेचर ही ऐसा, मतलब टेम्परेचर इसका मेंटेन करके रखे। हाँ हाँ देखिए
देखिए रवि जी आप गलत कर दिए, देखिए भाई इतना ठंडा है ऊपर, तो देखिए ये मजाक कर रहा है। ये देखिए पूरा हाथ अब काम नहीं कर रहा है एकदम, ये देखिए वो उसमें घुस गया है। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसे इसको क्या बोलते हैं, हम भूल गए हैं। भैया कैसा लग रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऐसे वातावरण में रहना। सोचिए कि आर्मी के जवान कैसे रक्षा करते होंगे देश का, सलूट बर्फीला इलाकों में, सलूट है उनको। हाँ। जो ये तो कुछ भी नहीं है, तो हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो -54 डिग्री में रहते हैं और इतना कुछ सहन करना हमारे लिए, मजाक कर रहे हैं इतना ठंडा में। क्या कह रहे हैं? तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या कहिएगा? बस उन आर्मी के जवानों के लिए क्या कहिएगा जो -40 डिग्री में -30 डिग्री में खड़ा होकर इस देश का रक्षा करते हैं? देखिए सीरियस होकर वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर -10 डिग्री टेम्परेचर है, हम लोगों का हाथ काम नहीं कर रहा है और वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर -43 और -40 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर सियाचिन ले लद्दाख में जो है बंदूक भी चलाते इसी हाथ से और दुश्मनों को जो जवाब भी इसी आंख से और रक्षा भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सीखने का जरूरत है, यहाँ आने के बाद इस चीज का एहसास होगा कि आज हम 3-4 डिग्री टेम्परेचर माइनस में नहीं झेल पा रहे और हमारे देश के जवान जो है आर्मी के जवान -40 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तब इस देश में हम सुकून और शांति के साथ रह रहे हैं। मतलब -10 डिग्री है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का रहना काफी मुश्किल हो रहा है, हाथ एकदम काम नहीं कर रहा है और ऊपर से ये मजाक कर रही है, जो स्नो है वो फेंक फेंक कर। भैया इसको क्या कहते हैं? इग्लू। इग्लू कहते हैं ना, और वो उसको किसको किसको उसको स्नोमैन ना, हाँ इसको इग्लू कहते हैं। हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे और देखिए ये चोर की तरह बर्फ लेके आ रहे मेरे ऊपर डालने के लिए, और देखिए कितना अच्छा डिजाइन किया गया है। यही हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी कितना हाई होते जा रहा है कि इंसान जो चाह रहा है वो कर दे रहा है, मतलब आने वाले समय में हमको लगता है कि मुर्दों को जिंदा कर देगा ये इंसान। देखिए कितना अच्छे स्लाइड के लिए यहाँ पे बनाया गया है, मतलब पूरा इसको डिज़ाइन किया गया, एकदम अंदर आने पे मनाली वाला फील, कुल्लू मनाली शिमला वाला फील आ रहा है। हम कभी बर्फीला इलाका में नहीं गए हैं, वैसा सौभाग्य नहीं मिला है कि हम जाएँ अभी जाएँ, लेकिन यहाँ पे आके बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। भैया ये बताइए ये कौन सा जगह है? ये सोनीपत है, यहाँ जुरासिक पार्क है। हाँ। और जुरासिक पार्क में स्नोफॉल है। हाँ। ये हरियाणा में पड़ता अपना। हाँ। इंजॉय के लिए और एक आधुनिक युग को देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आइए विजिट कीजिए और आपको महसूस होगा कि हमारे आर्मी के जवान किस प्रकार वहाँ अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारे लिए अपनी जान को भगवान बोला जाए। अपने हम सब के रक्षा के लिए अपने जान को जोखिम में डालकर वहाँ पे हम लोग का रक्षा करते हो। देखिए हमारा यहाँ हमें 20 से 25 मिनट हुआ है, हमारा मन हो रहा है कि बस यहाँ से भाग ले, और वो 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं वहाँ, और ये सोचिए कि वो किस प्रकार रह पाते हैं, इतना जज्बा उनमें कहाँ से आता है। जहाँ की आम आदमी हम 10 मिनट में ही हमारा यहाँ रुका नहीं जा रहा है, और वो 24 घंटे ड्यूटी करके और साथ में राइफल AK-47 के साथ उसके साथ में रखना, अपना हथियार का और दुश्मनों से लड़ना, मतलब इतना मुश्किल होता होगा उनके लिए। हर समय ये ही दिमाग में होता है कि कहीं से कहीं कोई दुश्मन ना आ जाए और वहाँ क्या खाना पीना होगा, आप सोच सकते हैं कि इतनी बर्फ में कैसे रह पाते हैं। यही दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे थे, और अगर आप दिल्ली में हैं और आपके पास समय नहीं है दिल्ली से दूर जाने का, तो आइए यहाँ पे मजा लीजिए पूरा मनाली वाला और शिमला वाला। और क्या कह रहे हैं भैया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसको समय नहीं है वहाँ जाने का, 2 मिनट लटको और 2000 जीतो। ये क्या है भैया? ये देखिए 2 मिनट लटको और 2000 जीतो। हम लोग नहीं लटक पाएंगे, और बहुत अच्छा बनाया गया, बहुत मजा है यहाँ पर आकर। बाकी अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो यहाँ एक बार आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। भैया